हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। माय नेम इज शिल्पी। जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे बच्चे, जुड़ जाएंगे केडी लाइव के साथ, मेरे साथ और साइंस की क्लास के साथ। तो जल्दी जल्दी आ जाइए और जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी आ जाओ। अभिषेक सिंह आ गए हैं। हेलो मैम, हेलो अभिषेक। चलो अभी अभी सबसे बात करेंगे। सूजी एंड लियो भी आए हैं, सबसे बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले क्या करिए, सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। सारे बच्चे आ जाएंगे जल्दी जल्दी जल्दी, फिर अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो हाँ, तो देखो जैसा मैंने कहा बच्चों, 5 बजे रोज यहाँ पर आपको जुड़ जाना है, ठीक है। देखो होता क्या है कि नोटिफिकेशन क्लास की नहीं जा रही है, तो बच्चे क्लास के लास्ट में आते हैं। फिर जब 5 मिनट या 10 मिनट रहता है, तब तुम आके कहते हो गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, ठीक है। तो गुड इवनिंग कहने तो आते नहीं, पढ़ने आते हैं। तो अगर आपको पढ़ने आना है, तो क्लास जैसे यहाँ पे रेगुलर बच्चे आते हैं, तो आप जो है क्लास में शुरू से रहिए, स्टार्टिंग से रहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। देखो तो आज तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया, क्या लिखा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, ठीक है भाई। अगर आप सोचते हो कि सोचने से ही आप क्या करेंगे, अपना सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो कोई सा भी, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी आपका अगर यार दोस्त कोई भी है और उसने सिलेक्शन ले रखा है, तो एक बार उससे पूछना कि क्या उसने ऐसे सोच सोच के सिलेक्शन ले लिया। कहेगा नहीं भाई, हमने अपनी कई रातें खराब की है, तब जाके आज हम किसी लायक हैं, ठीक है। तो सब बच्चों को मुझे लगता है ये 2 लाइनों से थोड़ा सा मोटिवेट हो गए होगे तुम, और मैं क्लास स्टार्ट करना चाहूंगी। तो एक बार फटाफट मैं हेलो हाय करती हूँ, और तब तक सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए मुस्कान आ गए हैं, हेलो मिस, हेलो मुस्कान, दीपक है, चलिए एवरीथिंग, चलिए ठीक है भाई, गुड। पिंटू, चिंटू, मिंटू है, एकता पाल है, जय कुमार है, सब बच्चे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कर रहे हैं। चलिए तो भाई सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। मनोज सिंह है, चलो जल्दी जल्दी सब बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। हेमलता आ गई है, चलिए हेमलता भी है, ओके। चलो तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे यहाँ आ गए हैं, क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। चलिए हाँ, नीति गहलोत है, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग नीति, कैसी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, संदीप है, चलो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। चलिए मोर का आपसे यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा गया है, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। एक बार मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, तो आज आपके सामने मोर का पूछ लिया है। कल आपके एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ ले, है ना, क्या पता मोर का ही पूछ ले, क्योंकि ये आपके एग्जाम का ही, एक बार आपके एग्जाम में मोर का पूछा गया था। चलिए फटाफट बताइए। राधे राधे विपिन, राधे राधे आंसर कीजिए। चलिए उज्जवल जी आ गए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नीति कह रहे हैं मुझे भी देखो मैम, अरे तुम्हें ही देख रहे हैं, आंसर करो तुम। चलिए अभिषेक सिंह है, बी के साथ जा रहे, 1B, और नीति 1B, हिमलता 1B, संजना, जय, पिंटू, दीपक, चलिए मुस्कान 1B, उज्जवल जी, अभिषेक कुमार, ठीक है, एवरीथिंग फन, बी, चलिए बी के साथ जा रहे बहुत सारे बच्चे, जय कुमार भी बी के साथ जा रहे, एकता पाल भी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है बी के साथ जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बी के साथ जाना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, अगर यहाँ पर आपने आंसर किया है पाओ क्रिस्टिस, ठीक है, जो है पाओ क्रिस्टेटस, अगर आपने आंसर किया है पाओ क्रिस्टेटस, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर, कोई इसमें गलत बात नहीं है। मैंने कैसे याद करवाया था, एक बार शायद मैंने आपको ये बताया भी था कि पी फॉर पिकॉक, ठीक है, और पिकॉक से ही याद रखेंगे पाओ, है ना, इसी तरीके से आपको याद रखना था। तो ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है अपना प्यारा सा पिकॉक, है ना, मुझे मेरा तो फेवरेट है, मुझे लगता है आप सभी का भी फेवरेट ही होगा। चलिए पूरे इंडिया का ही फेवरेट है, देखा जाए कोई सा ऐसा नहीं है जिसे ये पसंद ना हो, चलो है ही इतना खूबसूरत सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुर्दे से संबंधित संबंधित है कहलाती है। आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि आप जो है उस ब्रांच का नाम बताइए जिसमें आप किडनी की स्टडी करते हैं। 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल मैं कहूंगी चुन्नू मुन्नू वाले, गोलू वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो बगल में गोलू रहता है वो भी कर देगा। तो वैसे क्वेश्चन एक दो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों आपको ठीक से आपको देखने को मिलेगा, थोड़े लेवल के क्वेश्चन हैं। तो जल्दी जल्दी से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं कि बच्चों को लगे अरे आज तो हम पूरा ही करके जाएंगे घर, है ना, तो इसलिए डाल दिए जाते हैं। जल्दी से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
चलिए, 2D आंसर कर रहे हैं नीति गहलोत। ओके अभिषेक 2D, जय कुमार 2D, चलिए दीपक जी 2D, पिंटू 2B के साथ 2D के साथ जा रहे हैं। चलिए तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ नेफ्रोलॉजी बिल्कुल सही आंसर आपका। क्यों है मैम? क्योंकि भाई इसके यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। किडनी किससे मिलके बनी है? नेफ्रॉन से। और बच्चों अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको क्या करना है, किडनी, ठीक है, आपको अपनी किडनी का चेकअप करवाना है, उसकी जांच करवानी है, तो आप जाके क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहाँ पे है, ठीक है। कभी आप ये नहीं कहेंगे किडनी वाले डॉक्टर कहाँ पे, आप क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहाँ पे है, क्योंकि आपको क्या दिखाना है भाई, अपनी किडनी दिखानी है, ठीक है। ओके चलिए, बिल्कुल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अस्थि शुष्यता से संबंधित, यानी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि आप में कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, तो आपको क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हां जी, ऑस्टियोपोरोसिस से क्या रिलेट करता है, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलो हाँ, 3D 3D के साथ जा रहे, विटामिन डी, बिल्कुल बच्चों। देखो सबसे मैंने क्या कहा था, अगर कहीं ऑस्टियो शब्द दिख जाए तो समझ जाना वहां किसकी बात की जा रही है, बोन्स की बात की जा रही है, हड्डियों की बात की जा रही है, और पोरोसिस मतलब क्या होता है, छिद्र। तो जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उसकी हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं। और बोन्स में जो है पोर्स कब होंगे, जब किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने बच्चे हैं, विजेंद्रा, ठीक है, अमन पांडे, पिंटू, हेमलता, अज्जू, एवरीथिंग, अज्जू भाई हैं, चले जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, उन्होंने अगर आंसर किया है विटामिन डी, तो बिल्कुल उनका ठीक आंसर है। चलो जल्दी जल्दी सब बच्चे शेयर भी करेंगे, जितने भी यहाँ बच्चा पार्टी लास्ट में जुड़ते हैं सभी को बुलाओ फटाफट। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिमाण मादा के रूप में होता है। सीधा पूछा जा रहा है, कौन से क्रोमोजोम्स मिलते हैं तो क्या होता है, बेबी गर्ल होती है, ठीक है। कौन से क्रोमोजोम्स होते हैं कि क्या हो जाएगा, जो है उससे देख के पता लग सकता है कि ये बेबी गर्ल है, ठीक है। जल्दी से बताइए, अगर हम बात करें बच्चों तो आपकी बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स है, टोटल आपकी बॉडी में 23 पेयर क्या है, 23 पेयर क्रोमोजोम्स हैं, जिसमें से 22 पेयर, ठीक है, 22 पेयर क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और एक पेयर लड़का, एक पेयर जो है वो बताएगा गर्ल है या बॉय है, तो उसे एलोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा। तो देखो सब 44 प्लस एक्स और 44 प्लस एक्स, अब जल्दी से बता दो कि गर्ल कब होगा, बॉय कब होगा, एक्स एक्स, बिल्कुल बच्चों एक्स एक्स बिल्कुल सही आंसर है। जब 44 प्लस एक्स एक्स, तो वो बेबी क्या हो जाएगी, गर्ल है, ठीक है। और जब यहाँ पे 44 प्लस एक्स वाई, तो क्या है, बॉय है। ओके चलिए, तो यहाँ पर बी आंसर आपका बिल्कुल सही, गर्ल के लिए पूछा है, फीमेल के लिए पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखो फीमेल के लिए पूछा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे जल्दी से। चलो भाई जल्दी से बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, मतलब ऐसा कौन सा जो है डिसीज है जो वायरस से हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, कौन सा ऐसा रोग है, कौन सा ऐसा डिसीज है जो बच्चा कौन करवा रहा है, वायरस। चलिए बताइए जल्दी से, आपका जो है रिंगवॉर्म है, कोलेरा है, मीजल्स है, या टाइफाइड है। हाँ जी विक्रम आ गए हैं 5C के साथ। चलो कह रहे थोड़ा फास्ट मैम, अब थोड़ा फास्ट क्या करूं भाई, फेफड़े निकाल के चिपका दो बोर्ड पे। हाँ यहाँ पे जो दो पिंक कलर के लिप क्या है, लंग्स है, ठीक है, बिल्कुल पिंक कलर के होते हैं लंग्स, वो निकाल के लगा दो फेफड़े पे, तब मिल जाएगी तसल्ली। थोड़ा फास्ट, अरे कर लो अभी, चलेंगे फास्ट, माहौल तो बनने दो एक बार, है लाइक शेयर करो तुम। चलिए 5C 5C के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों देखो अगर हम बात करें तो ये किससे होगा, तो आपको पता है दाद एक क्या है, आपको पता है एक फंगल डिसीज है, ठीक है, ये किससे होगा, कवक से होगा, फंगस से होगा। और ये आपका अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और अगर हम मीजल्स की बात करें, खसरा, तो यहाँ पर आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक, किससे होगा बच्चों, ये एक वायरस से होता है, ठीक है, खसरा किससे होगा, वायरस से होगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। माइलिन शीथ इज डिराइव्ड फ्रॉम, जल्दी से बताइए कि जो माइलिन म्यान है डैश से प्राप्त होगा। हाँ जी, माइलिन कहाँ होता है या माइलिन को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। नर्व सेल, श्वान सेल, क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट सिक्स क्वेश्चन का। मुस्कान आंसर करो, 5C। ओके, पिंटू जी हंस रहे हैं, हाँ। और मुस्कान अपना जो है आंसर छोड़, जो है देना छोड़ के कह रहे हैं हाय मनीषा। अरे पहले आंसर कर लो, मनीषा कहाँ जा रही है, हाँ? मनीषा तो यही है, घर की बच्ची है। चलिए मनीषा फटाफट आंसर करो। अंबू कुमार आ गए हैं, कैसे हैं भाई अंबू। चलो विक्रम 5, 6A के साथ जा रहे हैं, मानसी जी 6A के साथ जा रहे हैं, अज्जू भाई 6A के साथ, हेमलता ए के साथ, संजना ए के साथ। वैसे एक बात बताऊं, ये मैं सही बता रही हूँ कि जो ये अजय है ये बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जब ये ऐप में मैं कोई प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ तो इनके दो चार आंसर गलत निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ इनके कोई से भी आंसर गलत नहीं होते। और गलत क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ भेड़ चाल है ना, यहाँ जब सबके सही है तो आपके भी सही जाएंगे। ऐप में तुम इतने राइट राइट आंसर नहीं देते, कई बार तुम गलत भी हो जाते हो, यहाँ तुम कभी गलत नहीं होते। चलिए तो कुछ बच्चे बी के साथ हैं। चलिए यहाँ पर देखो, अगर किसी बच्चे ने बताया है नव सेल, तो देखो बच्चों अगर हम बात करें, अरे अरे रुको, हाँ, अगर हम नर्व सेल की बात करें बच्चों, तो न्यूरॉन ही आपका क्या होता है, नर्व सेल होता है। चाहे आप न्यूरॉन कह लीजिए या मान के चलिए नर्व सेल, लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर है बी, ठीक है। जो श्वान सेल होती है, ध्यान से समझो, ये रहा आपका न्यूरॉन, ठीक है, और ये जो आपका बीच वाला पार्ट है बच्चों, इसे ही हम श्वान सेल कहते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को, जो ये इसके बीच की जो इसका क्या कहते हैं ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्वान सेल कहते हैं। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, सोन सेल कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, नहीं बच्चे तंत्रिका कोशिका नहीं आएगा सोनिया, यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा सोन सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। आपसे पूछा जा रहा है, चलो ये तो बाद में करेंगे, इसको छोड़ो तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा था। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या पूछा जा रहा है, एंड्रोक्रिनोलॉजी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एंड्रोक्रिनोलॉजी के फादर कौन है। हाँ जी, एंड्रोक्रिनोलॉजी के फादर कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए। एंड्रोक्रिनोलॉजी के जनक कौन है, फटाफट आंसर करो। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, एंड्रोक्रिनोलॉजी के फादर कौन है। सोनिया जो है रोना कम करो बच्चे और पढ़ो ज्यादा। दीपक ने सबसे पहले आंसर किया, नहीं दीपक नहीं है, सबसे पहले आंसर आया है विक्रम का, 8B के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, 8D के साथ विक्रम, 8D के साथ, और जय कुमार 8D के साथ, मनीषा 8B के साथ हैं। चलिए जय कुमार 8D के साथ हैं, चलो मनीषा जो है भीड़ चाल से बिल्कुल अलग है, मुस्कान भी बी के साथ है, दो बच्चे अलग है, तीसरा पिंटू भी अलग अपना आंसर कर रहा है सी। तो देखो सब बच्चे जो है अलग अलग आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगी, यहाँ अनाउंस करना चाहूंगी कि पिंटू ने बिल्कुल, पिंटू और नीति दो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है। थॉमस एडिशन आपका आपका आंसर आएगा, दो बच्चे हैं नीति एंड पिंटू जिन्होंने सही आंसर मुझे दिखाया, बाकी बी के साथ जा रहे थे, ठीक है। मानसी का भी देखो ये रहे थॉमस एडिशन, यहाँ पर आपका देखो, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उन्हीं बच्चों का मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। सी वाले बच्चे अपने लिए ताली बजाएंगे क्योंकि सी वाले बच्चे ठीक थे, और जितने बी वाले हैं, ठीक है, ये जितने बी वाले हैं, डी वाले हैं, ये फटाफट अपने जो है गाल पर एक थप्पड़ बजा लेंगे जल्दी से, ताकि कभी दोबारा गलत ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, निम्नलिखित में से कौन सा नींद्र चक्र की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। हंसी जल्दी से बताइए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है बच्चों, जो किस पे, जो आपके स्लीप साइकिल पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन है, आपसे जल्दी से बताइए, या सेरोटोनिन, या आपका डोपामाइन, कौन सा यहाँ पे हार्मोन है, ठीक है। सारे ही देखा जाए तो ये आपके एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, सारे ही आपके हार्मोन है, लेकिन जो आपके स्लीप साइकिल, ठीक है, कब सोना है, ठीक है, आपको नींद लाता है, वो हार्मोन कौन सा है। सबसे पहले आंसर इस बार विक्रम ने किया है, उसके बाद में उनके पीछे दीपक जी हैं, उसके पीछे जय कुमार है जो रो रहे हैं, मानसी जी ए के साथ, अभिषेक ए के साथ, बिल्कुल ए के साथ हैं, चलिए अमन पांडे के साथ, एकता पाल ए के साथ हैं। चल तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सही आंसर ए वाले बच्चे अपने लिए बिल्कुल जो है ताली बजाएंगे। मेलाटोनिन जो है बच्चों, ये किस पे कंट्रोल करता है, तो ये सोने पे कंट्रोल करता है ना।
होता है? तो देखो बच्चों, अगर किसी के अंदर मेलाटोनिन कम निकलता है, ध्यान से सुनना है ना, लेकिन ये मानो कि जो बच्चा पार्टी उसमें ये भर भर के निकलता है। मैम क्यों? क्योंकि आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। जो मेलाटोनिन है ना, ये अगर ज्यादा निकलता है तो नींद जो है ज्यादा आती है। और मैम निकलता है कहाँ से निकलता है? तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो है पिनियल ग्लैंड जो है बच्चों, ठीक है, जो है पिनियल ग्रंथि है, वहां से आपका क्या निकलता है? मेलाटोनिन निकलता है। और याद रखना कि देखो, हम कभी भी सोते हैं तो लाइट ऑफ करके क्यों सोते हैं? कोई सा है तुम में से, हाँ, कि जब सोने जाता है दो चार लाइट और जला देता है? ऐसा तो कोई नहीं होगा, सारे यही करते होंगे कि लाइट ऑफ करके ही सोते होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो है, जो ये सिक्रेट होता है, ये निकलता कब है? जब लाइट ऑफ होता है। और अगर मैं बात करूं बच्चे की, ठीक है, किसी बेबी की, चाइल्ड, ठीक है, देखो बच्चों को अगर आपको पता है, बेबी की बात कर लो, ठीक है, जो बिल्कुल चुन्नू मुन्नू है, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? उनको बहुत नींद आती है ना, ऐसे ऐसे कर दो सो जा सो जा सो जा, तुरंत सो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर दो सो जाते हैं, कई बार तो रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सो जाते हैं। तो वो क्यों सो जाते हैं? क्योंकि थोड़ा उनके उनमें जो है मेलाटोनिन ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, मेलाटोनिन ज्यादा होता है। हाँ मैम, नाइट में निकलता है, बिल्कुल सही बताया है, नाइट में निकलता है, लाइट ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए, और लाइट जरूर करेंगे भाई निकम्मो, ठीक है, फटाफट लाइट भी करते रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जो आपकी वेवलेंथ है यूजली गोज टू ग्रीक लेटर, आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि जो तरंग दैर्ध्य है उसको हम क्या कहते हैं? भाई तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हो? गामा कहते हो, बीटा कहते हो, लैम्डा कहते हो, अल्फा कहते हो? हाँ, कोई साइंस, जो जिस बच्चे ने मेरे से साइंस पढ़ा है, जिस बच्चे ने मेरे से साइंस पढ़ा है, वो इसका जो है गलत आंसर नहीं करेगा, नहीं तो ये बात हो जाएगी कि आपने नाक कटवा दी, ठीक है। अगर मेरे से जो है फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा गलत आंसर कर रहा है, बात करते हैं वेवलेंथ क्या है। तो देखो ऐसी वेव होती है, ठीक है, तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये क्या होता है आपका, क्या होता है भाई, ये आपका शिखर होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, गर्थ होता है, ठीक है। और जो अगर हम बात करें, ये भी आपका शिखर, ये भी आपका शिखर, ये भी आपका गर्थ, तो दो कंटिन्यूअस, आप चाहे शिखर ले लीजिए चाहे गर्थ ले लीजिए, इनके बीच की दूरी ही क्या होती है, लेमडा होती है। तो चलो लेमडा मैंने आंसर कर दिया वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेवलेंथ जो है किसमें, लेमडा, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ लेमडा, बिल्कुल लेमडा, बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए, वेव, जो वेव की लंबाई है उसे लेमडा, ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बताया है, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बता दो फटाफट, पूछा जा रहा है ग्लूकोज किस प्रकार का, हाँ जी, क्या है ग्लूकोज? पेंटोज सुगर, हेक्सो सुगर है, या आपसे पूछा जा रहा है टेट्रोज सुगर है, क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दूं तब बता देना, C6H12O6। अब बता दो ये कैसा सुगर है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, अब बता सकते हैं कैसा सुगर है ग्लूकोज, क्या है बच्चों ग्लूकोज? मैम ब्लड सुगर है, ठीक है, क्या है? ब्लड शुगर है मैम। कहाँ पाया जाता है? तो हमारे खून में है, ठीक है, खून। चलिए जल्दी से बताइए। रितु मीना आ गए हैं 10B के साथ, विक्रम सिंह 11B। चलिए नॉलेज हब, हाय मैम, हाय भाई, थोड़ा ज्ञान इन्हें भी दे दो जो है बच्चा पार्टी है, कि लाइक शेयर थोड़ा कर दिया करे। अंबू है 2। चलिए बी के साथ, पूरी की पूरी भेड़ चाल यहाँ पर बी के साथ जाना पसंद कर रही है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा बच्चा सही आंसर कर रहा है। शर्करा बी के साथ जा रहे, बिल्कुल बच्चों हेक्सो सुगर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे। क्या बात है भाई, सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो। कौन सा डॉक्टर, डॉक्टर पे गए थे? कौन सी दवाई ली है तुमने, कौन सी दवाई ली है बताना जरा। सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो, एक कह रहे हो मैम किसी डॉक्टर डॉक्टर पे नहीं गए थे, ये जो है भेड़ चाल का क्या कहते हैं नतीजा है ना। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बच्चा सही करता है, इसमें तो तुमने जो है बाजी मार ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बता दो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग का कारण बनती है? हाँ जी, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, और इटाई इटाई रोग में क्या हालत होती है पेशेंट की, तो एक बार देखते हैं क्या होता है इटाई इटाई रोग में। चलिए तब तक आप आंसर करिए कि इटाई इटाई रोग कब होता है। ज्यादातर ये बच्चों जापान के लोगों में देखने को मिला था। तो देखो इटाई इटाई में क्या होता है, मैं एक फिगर लेके आई हूँ, देखिए इस तरीके से जो है हड्डी होती है इस तरीके से हो जाती है, ठीक है, जब किसी को क्या होता है, जब किसी को इटाई इटाई डिसीज होती है, ठीक है, इटाई इटाई डिसीज होती है। तो जल्दी से बताओ इटाई इटाई डिसीज कब होती है। हाँ जी, इटाई इटाई डिसीज कब होती है, बी बी के साथ जा रहे हैं कुछ बच्चे, ए के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, ओके चलिए ठीक है। हाँ
कैडमियम, कैडमियम बिल्कुल बच्चों, यहाँ कैडमियम बिल्कुल सही आंसर है। लिखेंगे जिन बच्चों को पता है, वेरी गुड, जिसे नहीं लिखा कि कैडमियम, अगर जो है बॉडी में कैडमियम चला जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या हो जाता है, कैडमियम, तो वहां पर इटाई इटाई डिसीज हो जाती है, जिसमें क्या हालत होती है इटाई इटाई रोग में, इटाई इटाई डिसीज में, तो मैंने आपको बता दिया है कि इटाई इटाई डिसीज में जो हालत होती है बच्चों, कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी हालत होता हो जाती है किसमें, इटाई इटाई डिसीज में, बिल्कुल। कह रहे जब कोई जापान जाता है, यही नॉलेज है तुम्हारी, है नॉलेज है। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ, उन्हें गुर्दे के लिए रक्त की आपूर्ति, रक्त वाहिका कहते हैं। सीधा आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू देम किडनी इज द, आपसे पूछा जा रहा है, ये रही मान लो किडनी, ठीक है, कैसी होती किडनी, ये रही किडनी, यहाँ पर जो ब्लड लेके जा रही इस वेसल्स को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, नाम से ही क्लियर है क्या कहेंगे। अगर कोई ऐसी नस है, ऐसी कोई वेसल है बच्चों, जो कहाँ खून ले जा रही, किडनी के पास ले जा रही है, तो उस जो वेसल्स को, उस नस को हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। रीनल आर्टरी, बिल्कुल बच्चों, अगर हम बात करें तो देखो इस फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि अगर अरे आ जाओ, हाँ, कि देखो दो नसें होती है, कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई मान लो किडनी है, मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो ये एक यहाँ से जाती है, एक यहाँ से निकलती है, तो देखो बच्चों जो जाती है वो क्या होती है, आर्टरी होती है, ठीक है, क्या होती है, धमनी होती है, क्यों, क्योंकि ये रेड कलर की, रेड कलर का मतलब होता है कि O2 वाला खून लेके उसके पास जाती है, फिर जितने खून के, जितने जो है ऑक्सीजन की इस किडनी को जरूरत है, इसकी सेल्स की, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, फिर जो जो खून ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है और CO2 की मात्रा ज्यादा है, ये नीले कलर का दिख रहा है, इसमें CO2 होगा, तो यहाँ से एक जो वेन्स आएगी, अब यहाँ से शिरा जाएगी, और ये क्या करेगी, तो ये कैरी करेगी कौन सा ब्लड, CO2 वाला, ओके। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने रीनल आर्टरी आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, ब्लड प्रेशर की दीवारों पर खून से लगाया जाता है दबाव, जल्दी से बताइए, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो है ब्लड प्रेशर है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो दीवारों पर, उसके किसके हार्ट के दीवारों पर अगर हम कहें कि जो है थोड़ा सा क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, तो वो किसके द्वारा लगाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जल्दी से बताइए क्या आंसर सही आएगा। मैम आज ड्राइंग नहीं बना रही है, नहीं तुम ज्यादा मजाक बनाते हो, इसलिए मैं लेके आई हूँ सारा भाई, है ना, मैं बनाती हूँ तो तुम हल्के में ले लेते हो बातों को, मैं कहती हूँ जब तक मैं बनाऊंगी नहीं तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा। चलो क्या आंसर दिया है सब लोगों ने, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग शिवा यादव, सी 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 के साथ जा रहे हैं, सी में क्या है, हाँ बिल्कुल बच्चों आर्टरीज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका धमनी, यहाँ पर आपका ठीक आंसर है आर्टरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलेंगे। हाँ बताइए जल्दी से, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द, मनुष्यों में ध्वनि द्वारा उत्पादित किया जाता है, हाँ जी बताइए, आप में जो है ध्वनि, जो आवाज निकलती है, ठीक है, जो आवाज निकलती है वो कहाँ से निकलती है, जल्दी से बताइए, जो आप में आवाज निकल रही है, जो मैं आपको बोल रही हूँ और आप सुन पा रहे, तो जो मेरी या किसी की भी आवाज निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, जल्दी से बताओ, जो है इसोफेगस, या आपका लेरिंग्स, या आपका मेडुला, या आपका एपिग्लोटिस, हाँ जी जल्दी से बताइए। 15B के साथ, ओके, अमन पांडे भी के साथ, हिमलता भी के साथ, अज्जू भाई भी के साथ हैं, नीति गहलोत भी के साथ हैं, क्या बात है भाई, सारे बी के साथ क्यों जा रहे हो, एक आधा इधर उधर जाओ, चलिए, तो सब बच्चे बी के साथ हैं, लैरिंग्स लैरिंग्स लैरिंग्स, हाँ जी बिल्कुल बच्चों, और एक बात बताओ, लैरिंग्स कहाँ होता है, देखो तुम्हारे गले में होता है, ये बात क्लियर है, ठीक है, एक होता है आपके गले में फूड पाइप, ध्यान से मेरी मेरा आंसर दे देना, और एक होता है आपका विंड पाइप, विंड पाइप मतलब एक ऐसी पाइप है जहां से हवा जाएगी और ऐसी पाइप है जहां से खाना जाएगा, तो ये लैरिंग्स बच्चों कहाँ लगा होता है, विंड पाइप में या फूड पाइप में, जल्दी से आंसर करेंगे, ये लैरिंग्स कहाँ लगा होता है, विंड पाइप में लगा होता है या फूड पाइप में लगा होता है, जल्दी से बताओ। हाँ ये खुशबू जो है, ये आंसर देने में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता इनका,
ये जो है जो चीज इंक्रीज करना चाहिए उसे डिक्रीज बताते हैं, और जो चीज डिक्रीज होनी चाहिए वो इंक्रीज बताते हैं, लेकिन हंसते बहुत हैं। आंसर करो खुशबू, इसे तो मैंने कहां पे है ये। चलिए मनीषा 15B के साथ जा रहे हैं, पिंटू जी 15B के साथ। विंड पाइप में आंसर आ रहा बच्चों का कि मैम लैरिंग्स जो है विंड पाइप में होता है। बिल्कुल भाई बच्चा पार्टी बिल्कुल सही बताया है, ठीक है अपने लिए ताली बजा सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब बच्चों ने, और याद रखना बच्चों कि जीभ जो है हमें जो आवाज निकलती है ये यहां से निकलती है। देखो जब मैं इस पे ऐसे ऐसे पुश कर रही हूँ तो मेरी आवाज बदल रही है, ठीक है देखो ऐसे हिट कर रही हूँ तो मेरी आवाज बदल रही है, क्यों? क्योंकि आवाज यहाँ से बन रही है, लैरिंग्स बन रही है, लेकिन जो जीभ है जो एक मस्कुलर ऑर्गन है वो क्या कर रही है, वो चल रही है, और चल के वो मेरे जो यहाँ से आवाज निकल रही है उसे वर्ड्स में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चल ये मजा आ रहा है पीपीटी में, ये लगवा दिया मैंने एक इफेक्ट, क्या तुम्हें मजा आ रहा है, नेक्स्ट पीपीटी में भी लगवाया जाए। कौन सा रोग जीवाणु से होता है, अभी पूछा गया था कौन सा रोग है जो वायरस से होता है, अब पूछा जा रहा है कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होगा। हाँ जी जल्दी से बताइए, अभी वायरस से रोग हुआ था, अब रोग किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, तो फटाफट आंसर कर दो, और सभी बच्चे जो है लाइक भी करेंगे साथ साथ। खुशबू कह रहे मैम आप आंसर देखते ही नहीं इसलिए मैं हंसी लेती हूँ। अच्छा भाई बिल्कुल आंसर करो, बिल्कुल देखा जाएगा। विक्रम उसके बाद में 16D, भाई देखो विक्रम को एक सौरभ था उसको कोई नहीं, हाँ जो है बाजी वो भी बाजी मारता था, और ये कि विक्रम आया है ये भी, ठीक है पहले सबसे पहले आंसर सौरभ देता था, और जब से सौरभ नहीं आता तब से सबसे पहला आंसर कौन देता है, विक्रम देता है, तो थोड़ा कुछ करो भाई इनका। हाँ खुशबू नीति एकता जो यहाँ रेगुलर बच्चे हैं देखो आगे जा रहा है बिल्कुल, तुम्हारे तुमसे बाद में इसने क्लास ज्वाइन करना शुरू किया था विक्रम, और मैं देखती हूँ सबसे पहले आंसर वही कर रहा है, तो ये जो पिंटू चिंटू मिंटू हैं सब देखो बच्चा आगे निकल रहा है उससे जो है आप कंपटीशन कीजिए। चलिए तो सब बच्चे डी के साथ जाना जो है पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों ये अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका एक वायरस वायरल डिसीज है, ठीक है वायरस से होने वाला, लेकिन जो ट्यूबर क्लोसिस है जो टीबी है ये एक बैक्टीरिया से होगा, ठीक है इस तरीके से अगर हम बात करें तो टीबी का बैक्टीरिया अगर आपसे बात किया जाए, मैम कौन सा बैक्टीरिया है टीबी का, तो यहाँ पर लिखा हुआ माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस जो एक बैक्टीरिया है जो क्या करवाएगा आपको बच्चों, जो आपको टीबी करवा सकता है, ठीक है जो आपको टीबी करवा सकता है, और इसीलिए जो है टीबी वाले लोग से क्या होना चाहिए, एक कॉम्युनिकेबल डिसीज है इसीलिए टीबी वाले लोगों को क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो है कौन सा है जो इंस्टेंट एनर्जी देगा, ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, कौन सा तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगा, लैक्टोज सेलुलोज माल्टोज ग्लूकोज। और कोई सा, मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कोई सा सेल्यूलोज आंसर नहीं करेगा, है ना, अगर कोई सा सेल्यूलोज आंसर करेगा तो ऐसे करना पड़ जाएगा फिर तो। चलो तो फिर से सबसे पहले आया है विक्रम का आंसर, फिर आया है मानसी का, ठीक है मानसी देखो मानसी आंसर पहले करते हैं लेकिन हर बार पीछे रह जा रहे हैं, उसके बाद में मुस्कान है, उसके बाद में हिमलता पिंटू खुशबू मानसी नीति गहलोत, नीति तो बहुत पीछे चल रही है, इश्का जय कुमार दीपक उसके बाद में राधा। चलिए ओके तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से विक्रम ने ही सबसे पहले किया है भाई, ठीक है तो भेड़ चाल का जो राजा है वो विक्रम ही है, ठीक है चलिए तो देखिए ग्लूकोज बिल्कुल ठीक आंसर। मैम क्यों ठीक आंसर है ग्लूकोज, क्योंकि बच्चों देखो जब तुम्हारी तबीयत खराब होती हो, दो तीन दिन से खाना नहीं खाते हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप में वीकनेस रहती है, तो तुम्हें पहले रोटी तो खिलाता नहीं कि चल पहले रोटी खा फिर दवाई दूंगा, वो आपको क्या चढ़ाता है ग्लूकोज, ठीक है क्यों, क्योंकि ग्लूकोज से आपको क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। इश्का त्यागी जो है पहले लोज आंसर कर रहे हैं और ये आंसर इनका जानबूझ के है, तो इस क्लास का सबसे उल्लू बच्चा है इश्का, ठीक है चलो आज से इनको सब उल्लू बच्चे के नाम से बुला सकते हैं, मेरी मैंने इनका नाम रख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कौन सा खनिज हृदय गति को नियंत्रित करता है, हाँ जी अगर किसी की बीपी लो हो जाती है तो जल्दी से बताओ उसे क्या खिलाते हैं, सोडियम सल्फर ब्रोमीन आयोडीन, हाँ जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ ब्लड प्रेशर पे कौन सा कंट्रोल करता है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखती हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले देगा, चलो मुस्कान संजना सब हंसने में रह जाएंगे और फिर से जो है बाजी मार ले गया है विक्रम, 18C के साथ गए हैं। चलिए मुस्कान 18C के साथ, उसके बाद में ए के साथ, इस बार विक्रम ने पहले आंसर किया है लेकिन बिल्कुल गलत आंसर है,
और सही आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं और जो है कुछ बच्चे बिल्कुल विक्रम के पीछे ही भाग रहे हैं। चलिए सोडियम सोडियम सोडियम, बिल्कुल बच्चों देखो, अगर किसी को बीपी लो हो जाता है तो उसको नमक, हम उसको जो है नमक उससे कहा जाता है कि वो नमक चाट ले थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, सोडियम NaCl है, ठीक है। सॉल्ट क्या है, NaCl है, इसीलिए वहां पर आप जिस किसी की बीपी लो हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, उसे नमक चटाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा, सोडियम आएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे फटाफट। हाँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो देखो इसमें जो है आराम से सोच समझ के आंसर करना है। आपसे पूछा जा रहा है बर्ड फ्लू के वायरस को किस रूप में भी जाना जाता है, जल्दी से बताओ, जो बर्ड फ्लू का वायरस है उसे हम किससे लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ना, ज्यादा जल्दी मत करना, ध्यान से करना और सही आंसर करना, ठीक है। 2 मिनट का टाइम ले लो, कि सही करो। सबसे पहले आंसर इस बार किया है जो है 18 का कर रहे हैं, वैसे ठीक है, 19 का कौन सा कर रहा है, विक्रम जी 19 डी के साथ जा रहे हैं, चलिए ठीक है। राधा रमन है जो बी के साथ जा रहे हैं। मुझे पता था कुछ बच्चे ये आंसर कर रहे हैं, मुझे पता था वो गलत करेंगे। चलिए नीति गलत है, थोड़ा ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से जो है क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ो, उसकी बारीकियों को समझो। बिल्कुल डी वाले बच्चे अपने लिए ताली बजा सकते हैं, उन्होंने जल्दबाजी में भी आंसर सही किया, यहाँ पर आपका सही आंसर डी आएगा। देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, नींद की बीमारी किसके कारण होती है, बताओ भाई, नींद की बीमारी के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस के बारे में पूछा गया है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 20 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है और हमें फटाफट सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो अगर आप अपनी स्पीड इसी तरीके से बढ़ा लेंगे तो देखो अभी हम ज्यादा नहीं लेकिन 35 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अभी आपकी जितनी स्पीड है उस स्पीड से हम 35 क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा लो तो 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। पर डे अगर तुम 50 क्वेश्चन साइंस का लगाते हो तो जो अगर आप बस 1 घंटे पढ़ लो साइंस, उसके बाद में जब आप घर में फ्री टाइम रहते हो तो मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के लिए बस 1 घंटे दे दो, ठीक है, 5 से 6 दे दो, रोज अगर आप 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। और आपको पता है कि संडे भी क्लास लगी जाती है, संडे जो रहता है वो संडे तो मैं करा ही देती हूँ, वहां तो 1.5 घंटे की क्लास ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो 5 से 6 आ जाया करो, ठीक है। और जैसे अपनी स्पीड आप बढ़ाएंगे, जितनी जल्दी विक्रम आंसर करता है, इतनी जल्दी सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करें, तो मैं 50 क्वेश्चन का सेट बनवाऊंगी, ठीक है। अभी 35 या 30 का बनवाती हूँ, लेकिन अगर आप जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 100% मैं रोज आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। और देखो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं तुम लोगों को, आप कल एक बच्चा मुझसे कह रहा था, शायद निधि कह रही थी कि मैम क्वेश्चंस हमें रट गए हैं, ठीक है। तो यही फायदा है कि आपको जो है जब क्वेश्चन रट जाते हैं तो जो वहां पर बच्चा एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा, उसको सोचेगा और वहां पर करेगा, और आपको अगर आपने क्वेश्चन बार बार देख रखा है तो वहां पर आप जल्दी आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी जितने बच्चों ने कहा है उनका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अल्बर्ट साविन को विकसित करने के लिए जाना जाता है, बताइए क्या बनाया था उन्होंने, किस चीज की वैक्सीन बनाई थी, यही अल्बर्ट साविन ने किस चीज की वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, किस चीज की बनाई थी, जल्दी से बताइए, पेंसिलिन बनाया था, हाँ जी, किस चीज की वैक्सीन बनाई थी। और मैं चाहूंगी एटलीस्ट अगर 450 बच्चे लाइव हैं तो कुछ बच्चे जो है लाइक जरूर कर दे, 100 लाइक तो कर दो, है ना, इतनी जो है शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए भाई कि हम 400 जो है बैठ के आराम से फ्री में क्लास देख रहे हैं और मैम जो है चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही है, तो 100 लाइक तो कर ही देते हैं, है ना, 100 लाइक तो कर ही देते हैं। चलो 100 लाइक करेंगे फटाफट, 100 लाइक पहुंचा देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो क्या कह रहे हैं, आई हेट यू बोलने वाला स्टूडेंट। अच्छा कौन सा है भाई, किसने बोला था, कुछ शायद पांडे करके था उसका नाम, मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था कुछ पांडे करके था उसका नाम। चलिए हाँ, पोलियो 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 आंसर कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका अगर आपने पोलियो वैक्सीन बताया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ओके।
पोलियो वैक्सीन आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना करने की कोशिश करेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की है, जल्दी से बताइए इंसुलिन की खोज किसने की है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या करता है बच्चों, तो ये ब्लड शुगर पे कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड शुगर जो ग्लूकोज था उस पे क्या करेगा, कंट्रोल करता है इंसुलिन। और आपसे पूछा गया है इंसुलिन की खोज किसने की है। कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। हाँ पोलियो वैक्सीन बिल्कुल ठीक था। चलिए 22 वी विक्रम ने आंसर किया है सबसे पहले। चलिए उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में टीना राणा है, ओके अमन है, राधा रमन है, अमन है राधा रमन है, कितना बढ़िया है ना, अमन है राधा रमन है। चल उसके बाद में पम्मी उज्जवल है, मानसी है, मुस्कान है, ट्रेंडिंग है, पिंटू है, इश्का, रंजन, नीति, मनीषा, चलिए कलेंद्रा है। चलो भाई इतने फटाफट अगर आंसर आ रहे हैं तो बहुत खुशी है मुझे। और 100 लाइक अभी भी नहीं किया है भाई, सभी निकम्मों ने अपना जोर शोर लगा दिया है लेकिन 100 लाइक तक अभी ये नहीं पहुंचे हैं, तो फटाफट 100 लाइक कर दो भाई जल्दी से। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैम क्या सही आंसर है, तो अगर तुम बी के साथ गए हो तो तुमने बिल्कुल सही काम किया है, बी के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर आप बी के साथ गए हैं तो भाई कोई आपको गलत नहीं कह सकता, आपने बिल्कुल ठीक ठाक सा आंसर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाँ जी द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बताओ भाई किडनी की सबसे मैं कह सकती हूँ छोटी यूनिट क्या है, जल्दी से बताइए किडनी की यूनिट क्या है, जल्दी से बता दो। कितनी बार बता रखा है ये क्वेश्चन भी तुम्हें रटा होना चाहिए, जो यहाँ पर रेगुलर बच्चे आते हैं वो तो ये क्वेश्चन आधा ही पढ़ेंगे और आंसर फेंक देंगे, ठीक है आधा ही पढ़ेंगे और आंसर फेंक देंगे। जल्दी से बताइए 23 का, 23 हाँ। चलिए मनीषा ने कह दिया भाई कर दो गाइज लाइक, अब मनीषा ने कह दिया मेरी नहीं सुनो, कम से कम मनीषा की सुन लो, है हाय हाय करते रहते हो। चलो विक्रम ने इस बार सबसे पहले आंसर किया है 23 सी, और नीति तीसरे नंबर पे है, अमन है फिर, चलिए पम्मी उज्ज्वल है फिर, ओके विजेंद्रा है, अंशु है, तो सब बच्चों ने बहुत जल्दी जो है आंसर करने की कोशिश की है। और नेफ्रॉन अगर आंसर किया है आपने, ठीक है अगर आपने आंसर क्या किया है बच्चों नेफ्रॉन आंसर किया है तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक आंसर है। क्यों, क्योंकि मैम ने अभी आपको बताया था कि किडनी की जो है स्टडी को क्या कहते हैं, या किडनी की जो ब्रांच उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन आपका क्या हो जाएगा, किडनी की यूनिट हो जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाँ डिहाइड्रेशन के दौरान गैस शरीर में कमी हो जाए, बताओ भाई अगर आप में डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है बहुत इस टाइम गर्मी है बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन होता होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है अगर डिहाइड्रेशन हो गया बच्चों, हाँ अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो आपकी बॉडी में किस चीज की कमी हो सकती है। चलिए अच्छे से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, चलो जल्दी जल्दी आंसर कर दो। हाँ अनिल मीना है, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग अनिल कैसे हैं। मनीषा है 23 सी, रमेश है, इसका है, चलिए सिद्धू मूसे वाला आज भी आ गए हैं तो सब बच्चे जो है स्वागत करेंगे सिद्धू मूसे वाला की, ठीक है ऐसे इतनी आसानी से नहीं आते हैं सिद्धू मूसे वाला, लेकिन अगर यहाँ पे आ गए हैं तो सब बच्चे जो है उनका वेलकम करेंगे और हमारी क्लास में भी उनका बहुत बहुत वेलकम है। चलिए क्या बताया है बच्चों ने, बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, चलिए अगर आप यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही खेला है, ठीक है आप जो है बिल्कुल सही खेल रहे हैं, आपको पवेलियन वापस जाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत ठीक खेला है, ओके चलिए ठीक है बी बिल्कुल सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा कार्य मानव शरीर में किडनी द्वारा किया जाता है, हाँ जी किडनी की कौन सा कार्य करती है, जल्दी से आंसर कर देंगे किडनी कौन सा काम करती है, फटाफट आंसर करो। किडनी क्या करती है भाई, सांस जो है सांस लेते हैं किडनी से, किडनी से खाना जो है खाने का पाचन होता है, या किडनी जैसे आपका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है ऐसा कुछ करती है, क्या करती है किडनी जल्दी जल्दी बताइए। और लाइक कर देंगे 100 लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल बच्चों ये तो शायद अभी कल कल की प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था, ठीक है उत्सर्जन का काम करती किडनी, तो मैं इसमें बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगी, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिन आपको पता है यूरिन जो है निकालती है बाहर, अगर हम बात करें मानव शरीर में जो है जो कॉपर ग्लैंड है, ठीक है कॉपर ग्लैंड वो कौन से सिस्टम से रिलेट करती है, हाँ जी जो कॉपर ग्लैंड है बच्चों ये कौन से सिस्टम से रिलेट करती है, बढ़िया क्वेश्चन है। चले देखते हैं कौन सा बच्चा है जो सही आंसर करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम, क्या सही लग रहा है भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो यहाँ पर कॉपर ग्लैंड्स है बच्चों, जो कॉपर ग्लैंड्स है वो किससे रिलेट करती है, हाँ कॉपर ग्लैंड किससे रिलेट करेगी, 26 सी किसने बताया है, विक्रम ने, चलिए
हाँ, पटेल जी कह रहे कल का क्वेश्चन था, बिल्कुल। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको ये बात याद होगी, ठीक है। और 96 अगर लाइक कर दिया है भाई निकम्मो ने, तो चार और अपनी जान दिखाएंगे, चार बच्चे और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। चार बच्चे और जुड़ जाएंगे जल्दी से लाइक करने में। हाँ, पंकज कह रहे वेरी क्यूट मैम, अच्छा ठीक है भाई आंसर कर दो। नीति कह रहे 26 सी, अच्छा ठीक है हाँ चलो। उसके बाद में 26 डी, इश्का, मनीषा, पंकज, इश्का, लोकेश सिंह है, पंकज कुमार है, चौधरी, शिव कुमार है, विनोद है, विजेंद्रा है। चलिए ठीक है भाई, अगर बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, फाइनली जो है निकम्मो ने 100 लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच। और अगर हम बात करें यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल सही आएगा। ये बच्चों कहाँ पे होता है ये ग्लैंड, तो ये होती है मेल, ठीक है। मेल में क्या काम करती है, तो जो सीमन होता है, ठीक है, सीमन बनाने का ये काम करती है, कौन सी, कॉपर ग्लैंड, ठीक है। सीमन बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हिस्सा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ध्वनि तरंगों के माध्यम से यात्रा कर सकते। चलो बताओ भाई कि जो ध्वनि तरंगे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और जो आई हेट यू कर रहा था उसके लिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फटाफट बताए कि साउंड, जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है, वो कहाँ नहीं चलेगी, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जो साउंड वेव है वो कहाँ नहीं चलेगी, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। विनोद कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग भाई, थैंक यू। पटेल जी थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हैं, बस आप जो है आंसर कर दीजिए। और कौन है, नवीन है, मेरा सही था, चलिए नवीन का सही था भाई, सुन लो सारे। और जहां पे जो खड़ा है वो नवीन के लिए एक बार ताली जरूर बजा देगा, मैं भी यहाँ से ताली बजा रही हूँ नवीन के लिए, ठीक है। नवीन अकेला क्लास में बच्चा है जिसका सही था। चलिए उसके बाद में कोई है, 27 डी, 27 डी के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, अगर बात करें साउंड वेव कहाँ नहीं चलेगी, तो बच्चों ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कोई रूम है जहां पर एटमोसफेयर नहीं है और मैं वहां से जाके तुम्हारी क्लास लूं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे वहां से मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज क्या है, साउंड, साउंड वेव जो है नहीं ट्रेवल करेगी कहाँ, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएगी। चलो मैंने कहा ताली बजाओ नवीन के लिए, और तुम नवीन के लिए हंस रहे हो, हैं, इसीलिए कहते हो तुम निकम्मे हो, सारी बातों को समझ जाते हो गहराइयों तक। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों का संरचनात्मक घटक नहीं है। जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। संजू, ठीक है संजू, आपका नाम ले लिया है, ठीक है। संजू भी यहाँ क्लास देख रहे हैं, कह रहे मैम मेरा भी नाम लो। ओके, चलो 28 बी, 28 बी के साथ जाना बच्चे पसंद कर रहे हैं। ओके, और कोई आंसर, चलिए बी 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 आंसर कर रहे हैं, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आंसर सही है, भी बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलेंगे, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चल नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो हीमोग्लोबिन और कहाँ पाई जाएगी, हीमोग्लोबिन और जो है बच्चों क्लोरोफिल में पाई जाएगी। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है भाई, जल्दी से बताओ। मुझे लगता है सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मैम कैसे कर सकते हैं, तो मैम पीडीएफ दे दिया करो। चलो आज जो है 100% का प्रॉमिस करके जा रही हूँ, आज पीडीएफ या तो डल जाएगी केडी लाइव पर, या कल मैं नहीं आऊंगी, ठीक है, दोनों में से एक काम हो जाएगा। तो 100% मैं, मुझे तो आना ही आना है, क्योंकि आपके एग्जाम से मैं तो धोखा दूंगी नहीं, मैं आऊंगी तो मुझे आना है, तो पीडीएफ भी आपकी डल जाएगी, ठीक है भाई बच्चों। और जितनी भी पीडीएफ पीछे की रहती है वो भी डलवा दूंगी, ठीक है, जितनी भी पीडीएफ पीछे की रहती है वो भी डलवा दूंगी, उसकी भी टेंशन नहीं लेंगे। आ जाओ, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, एफई, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पर एफई और मैग्नीशियम कहाँ दिख रहा है, दोनों साथ साथ, ये रहे दोनों भाई बहन, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ कुछ बातें कर रहा है, और क्या बातें कर रहा है कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो कहाँ पर बच्चों काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो फिजिक्स वाले या आई हेट यू वाले, आई हेट यू वाले जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो,
कि जो न्यूटन की गति के नियम है वो कहाँ पर काम नहीं करेंगे, वो कहाँ पर वैलिड नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करो, वो कहाँ पर वैलिड नहीं है। चलिए अमन पांडे ए के साथ जा रहे हैं, और नंबरिंग करो भाई, ए ले लो, बी ले लो, सब्जी ले लो, बिल्कुल नहीं है। आप जो है नंबरिंग के साथ आंसर करेंगे। इश्का कह रहे हैं मैम ऐसा प्रॉमिस मत करो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100% जो है आपकी पीडीएफ डलेगी, और पीडीएफ डलेगी तो मैं आ जाऊंगी। 30D के साथ गए हैं एकता पाल, फिर नीति गहलोत, फिर सीमा, फिर अनिल, फिर विक्रम, फिर मुस्कान। चलिए तो अगर हम बात करें डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों जो न्यूटन का गति का नियम है ना, वो अगर कोई वेलोसिटी किसकी हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे इनके नियम काम नहीं करेंगे। ठीक है, कब, जब लाइट की स्पीड किसके बराबर हो जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, और वेलोसिटी ऑफ लाइट दुनिया का हर एक बच्चा जाता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूध को दही। ठीक है, बताओ भाई कौन सा ऐसा प्राणी है जो दूध को दही बना दे रहा है। हाँ जल्दी से बताइए, दिमाग का दही नहीं, दूध का दही है। दूध का जो दही है वो बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया। ठीक है, दिमाग का दही तो तुम ऐसे ही कोई बनाता होगा, लेकिन अगर हम बात करें दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बना देता है। हाँ क्या है, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। ओके, दूध से दही, ठीक है चलिए आ जाओ। तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया है, चलो अगर देखो मैं खुद से ही बता दे रही हूँ। ठीक है, और अगर हम बात करें कौन सा बैक्टीरिया है बच्चों, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया बनाता है दूध से दही, लैक्टोबैसिलस। और कौन सा जो है शुगर होता है दूध में, लैक्टोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनुष्य के पेट में छोटी आंत से खोलना कहा जाता है। सीधा आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ये जो ऐसे आपका स्टमक है, ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग कर रहे थे, आज बना ही देती हूँ, तुम भी याद रखोगे, ये तुम्हारा निकला हुआ पेट है। ठीक है, ये बच्चा बच्चा पार्टी का निकला हुआ स्टोमक है, तोंद है, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पेट खत्म होता है और यहाँ से तुम्हारी जो छोटी वाली आंत है, जो कहने में छोटी है लेकिन है बहुत लंबी, स्मॉल इंस्टेंटाइन है जो, ये इस वाले पार्ट का नाम पूछा गया कि इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट का नाम पूछा गया। देखो ड्राइंग बना दी, सब बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब 150 लाइक कर दो। ठीक है, तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाती है, मुझे पता है तुम इस ड्राइंग की बहुत जो है मजाक बनाने वाले हो, बेइज्जती करने वाले हो, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया है ना तुम्हारे लिए, तो लाइक जरूर कर देंगे सभी बच्चे। चलिए 32B, 32A, 32D, ओके, संजू बी डी बी डी बी डी कर रहे हैं सारे बच्चे। चलिए दीपक कह रहे हैं फाइनली हमें जो है हमारे सौभाग्य से ड्राइंग बनाई गई है मैम के द्वारा। चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपका डी आंसर जठर। ठीक है, यहाँ से आपने याद है जठर निर्गम इसे हम कहते हैं, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये तो मैंने फिगर बनाया था वो था, और कोई ऐसा अंग्रेज है जो मेरे फिगर से नहीं समझ पाता तो यहाँ समझ लो तुम। ठीक है, यहाँ समझ लो कि ये तुम्हारा पेट खत्म हुआ और यहाँ से छोटी वाली आंत शुरू हुई, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपका फिलोरस। ठीक है, चलिए पाइलोरा सेफ जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा वैलेंसी के साथ बदलता है। हाँ जी, इनमें से कौन सा है जो वैलेंसी के साथ बदलेगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ 150 लाइक आना चाहिए। ठीक है, 128 है, 150 कर दो, चलो 158 है जो है, 128 है, तो आप क्या करेंगे 150 से बनाएंगे जल्दी से। अच्छा कह रहे हैं खुशबू, कह रहे हैं नहीं मैम आपने जो बनाया था वो बढ़िया है ना, वो कभी तुम्हें भूलेगा ही नहीं। चलो क्या आंसर सही है, 23B, B, B, B। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखो ये आपका, देखिए मेन का बैच आया हुआ है। ठीक है मैम, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, टारगेट आपका मेंस है, इसके लिए बैच आया हुआ है, तो कई सारे बच्चे इस बैच के जो है इंतजार में थे, तो फाइनली आपके लिए बैच आ गया है, एक बार सभी बच्चे इसलिए फटाफट देख लेंगे। अगर हम बात करें ठीक है कि इसकी फीस कितनी है, तो जो है 2499 इसकी फीस है, तो इस बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके ठीक है,
चलिए वीओडी ऑफ इंग्लिश स्पेशल 14। चलिए ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ये आपका बैच है, ये आपका एसएससी मेंस के लिए बैच है, ठीक है। तो ज्यादा ध्यान देंगे कि ये किसके लिए है, मेंस के लिए है। नेक्स्ट आप चलिए नेक्स्ट देखिए, तो अगर आप मैथ लेना चाहते हैं बच्चों, तो मैथ आपका है, ठीक है, 27 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट है। फीस बस इसकी 1199 है। और हम अगर बात करें कि एसएससी मेंस स्पेशल है ये, ठीक है, आपको इसमें मैथ जो है पुष्पेंद्रा सर पढ़ा रहे होंगे, तो कई सारे बच्चे जो है पुष्पेंद्रा सर के फैन हैं, तो आप जा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अगर आप जो है सब कुछ सेम है, और अगर आप यहाँ राणा सर से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता है दो टीचर अपना धुरंधर यहाँ पे है, ठीक है, मैथ के जो भी टीचर्स हैं। तो अगर आप कोई बच्चा यहाँ से, फीस दोनों की सेम है, 1199 इसका भी है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इन सर का भी बैच आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए शॉर्ट ले लेंगे, मैंने तीन बैच के बारे में बताया है फिलहाल, ठीक है। और ये आपका देखो, ये आपका जो है इंग्लिश और आपको मैथ दोनों यहाँ पे मिल रहा है। इसकी फीस 3499 इसकी फीस रखी गई है। तो बैच के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो स्क्रीन शॉट ले लो, जिसका भी लेना है फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो। ये सारे बैच आ गए हैं बस आप लोगों के लिए, तो सब बच्चे क्या करेंगे स्क्रीन शॉट ले लेंगे, पहले इसका लो, ठीक है, उसके बाद में इसका ले लो जल्दी से, बाद में देखते रहना आराम आराम से, उसके बाद इसका ले लेंगे जल्दी से, उसके बाद में ये हो गया, और फिर आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई आज के लिए इतना ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, या दो चार क्वेश्चन की शक्ल और दिखा दे आपको? मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है ना, आज के लिए इतना बहुत है। चलिए ठीक है, पंकज कह रहे मैम आप बहुत नाइस पढ़ाती हो। चलिए बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये देखो इंग्लिश का बैच है, रीजनिंग का बैच है ना, बहुत सारे बैच हैं, आप ये सब बैच लीजिए और आराम से इसको पढ़िए, पूरे दिन पूरे रात इनके इन पे लगाइए। लेकिन साइंस की अगर मैं बात करूँ, अगर तुम 1 आवर भी रोज दे रहे हो ना बच्चा, बहुत है, ठीक है, बहुत है। रोज अगर आप आके 1 घंटे भी यहाँ पर दे रहे हैं तो बहुत बहुत है। आप रोज शाम को 5 बजे आ जाइए, संडे भी आजकल क्लास हो रही है आपकी, ठीक है, शायद आप नहीं जानते हैं लेकिन संडे भी क्लास हो रही है आज आजकल आपकी। तो कल भी आपकी क्लास कितने बजे होगी? 5 बजे, यही केडी लाइव चैनल पे सब बच्चे आ जाएंगे। पीडीएफ जो है अभी सर को मैं भेज देती हूँ, सर जो है क्या करेंगे अपलोड कर देंगे, ठीक है। जितने बच्चों को पीडीएफ चाहिए केडी लाइव की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां से करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताए हो भाई सब? हाँ चलिए सी यहाँ पर फोर्स, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके तो बाकी अब हम आपसे कल मिलेंगे, अब हम कल मिलेंगे, कल आपसे गल्ला शल्ला करते हैं, सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। चलो और 150 लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, 150 लाइक करके जाएंगे सभी बच्चे, 150 लाइक तो करके जाओ हैं। चलिए हेमलता कह रहे ओके मैम थैंक यू, चलिए आपको भी बहुत सारा थैंक यू। मैम आप बायो पढ़ाती हो? हाँ बायो ही पढ़ा रही थी, रामायण गा रही थी भाई, बायो ही चल रही थी इतनी देर से, बताओ। चलो ठीक है भाई, तो सब बच्चों से अब कल मिलेंगे 5 बजे। चलो बाय बाय, सारे बच्चे बाय बाय कर रहे हैं, चलो सब बच्चों को बाय बाय, सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर।